इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ एक प्रसंग ध्यान देने योग्य है। भगवान की सेवा में कोई भी वस्तु सामग्री अपना समझ के अर्पित न करें। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा। जब सब कुछ है तेरा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। जब भगवान की सेवा की बात आती है तो आदमी उसको अपना मान के सेवा देने लगता है। ये ले लो, इतना से काम चल जाएगा। अरे नहीं दोगे तब भी चल रहा है। पूरी दुनिया में राम काम तुम्हारे से हो रहा है का? नहीं, प्रभु ने हमको दिया है और प्रभु ने जब व्यवस्था बनाए कि अब तुम्हारी बारी है, एकदम आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक हमारी बारी है, अब हमारी। महाराज ने मन संतोष से सब नहीं करी, सबके मन को संतुष्ट किया, जो आया मांगा संतुष्ट। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दिन्हे नृप नाना विधि चीरा। भूमि वाले को भूमि दिया, अन्न वाले को अन्न, वस्त्र वाले को वन, रत्न वाले को रत्न। और निश्चित मानिए, भगवान की, हम मनुष्य के मन की एक व्याधि है, भगवान की ही सेवा में लगकर भगवान के ऐश्वर्य हमको प्राप्त होते हैं, और जब तक नहीं प्राप्त होते हैं तब तक जीव भगवान का मानता है, और प्राप्त होते ही अपना मानने लगता है। फिर अप्राप्य होगा, फिर कष्ट होगा। नहीं, भगवान का, प्रभु आपका। चक्रवर्ती जी महाराज जो कुछ भी है सब गुरु कृपा मानते, सब आपका है प्रभु, जो आज्ञा। कुछ दिन बिता आनंद में, नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, नामकरण हुआ। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, सबसे छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न, और इनसे जो थोड़े बड़े उनका नाम लक्ष्मण। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, ये आपके चारों पुत्र मुनियों के धन हैं और भागवतों के सर्वस्व हैं। मुनियों के धन कौन? भगवान। कोई भी मुनि महात्मा, साधु पुरुष, आचार्य, भगवान के नाम से श्री हनुमान जी के नाम का एक झंडा गाड़ कर वहीं बैठ जाते। चार और बाबा जी लोग हो जाते हैं, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भैया ही कहे जाड़े में जान दिए पड़े हो, जग कर अब जग सीताराम जय। अरे जग करवा कुछ माल वाल है, जेकरे नाम जगबा महाविष्णु जग, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। चार बाबा जी लोग बैठ के सीताराम सीताराम एकदम महीना भर झोरत हैं, और बोर्ड लगावे थे महाविष्णु जग। यज्ञ होती भी है, यज्ञ होता भी है, यज्ञ का आयोजन दिव्य पूर्वक होता है, और विष्णु भगवान अपना यज्ञ स्वयं कर जाते हैं। केवल हनुमान जी का डंडा और झंडा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे, अपने भरोसे नहीं। यहां यज्ञ में जो आया गया वो बटा बटा बचा, सो अयोध्या और प्रयाग नहीं तो कुंभ लगने वाला है, वहां भी भंडारे में सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। पंगत के हरिहर,
भगवान का कार्य, भगवान का दिया सामान भगवान में ही अर्पित, कोई अपने पास नहीं रखता, एक माध्यम है। भगवान मुनियों के धन है, मुनि लोगों के पास, संतों के पास, साधु जनों के पास जगत का धन नहीं है। क्या धन? राम धन, राम भजन का धन, धर्म धन, सत्संग का धन। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, राजन आपके ये पुत्र मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण, बाल केली रस ते सुख मान। बाल के मुनि लोग भगवान के इस दिव्य भाव का दर्शन करके आनंदित रहते हैं, भगवान शिव भी आनंदित रहते हैं, भागवत लोग आनंदित रहते हैं। जन सर्वस भक्तों का भगवान के अलावा कोई नहीं है। हो संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं, अपना सिया राम जपा कर, बस यहाँ कोई नहीं अपना सिया राम जपा कर। और जो भगवान को जितना अपना मानता है अथवा अपने को प्रभु का मानता है, इन लीला महोत्सव में उसको उतना ही आनंद आता है। भगवान तो आए थे दिव्य स्वरूप में, भूषण बनमाला नयन विशाला, लेकिन माँ ने क्या कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। भगवान करने लगे कैसे कैसे, देखिए। कबहू उछंग कबहू बर पलया, मा तो दुलारई कही प्रिय लैला। कबहू उछंग कबहू बर पलया, मा तो दुलारई कही प्रिय लैला। ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोच प्रेम भक्ति बस कौशल्या के बोध। व्यापक सर्वत्र व्याप्ति है जिसकी, दिव्य स्वरूप है जो नियंता है, सतरज तम से परे है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, दिव्य वाणी से जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, वह अजन्मा प्रभु प्रेमा भक्ति के कारण माँ कौशल्या जी की गोद में आ गए। प्रेम प्रेम भक्ति प्रेम करना सिखाती है, वैर करना नहीं। भगत को किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना, क्योंकि या तो वैर रहेगा या तो प्रेम रहेगा। प्रेम गली बहुत सकरी है, तामे दुइन समाए। भगवान के प्रति प्रेम रखना है, किस बुद्धि से? भगवत बुद्धि से। परिवार में भी ऐसा कोई लगे कि वो तो अटपटे हैं तो मौन हो जाओ, विरोध न करो, बैर न करो। सहज ही किसी से बैर नहीं करना चाहिए। हमको प्रेम का अभ्यास हो, बैर का नहीं, क्योंकि यही पाना है जीवन में भी। राम प्रेम आना है लाना है तो अभ्यास प्रेम का न करना है कि बैर का करना है। वह अजन्मा सो अज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या के गोद।
मां आनंदित है। हरि कितनी मधुर सेवा हो, माँ लाला की सेवा करती हैं, लोरियां गाती हैं, खिलाती हैं, शयन कराती हैं, फिर गाती हैं। हा हा हा, देखिए सुख कितना बड़ा, सुख माँ ने प्राप्त किया। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। हमारी माँ सुनैना माँ कह रही थी, महाराजा श्री कोई सुना रहे थे टीवी में, किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत कथा में बड़ा रस आता है, राम कथा में रस नहीं आता। महापुरुष ने उत्तर दिया, राम जी थोड़े शील संपन्न हैं, धीर गंभीर हैं, इसलिए। अरे हमसे भी लोगों ने कहा था और हम लोगों ने ऐसी राम कथा सुनाई कि प्रेम रस का पूरा कांतों कांतों हो गया। कहाँ सुखा है वो? अरे सुखल तो ऐसे लगत बा कि तनी हमार गटैया अभी फसल बा ना। कल थोड़ा कस के आनंद में आ गए थे तो रात को बड़ा कष्ट पाया हूँ, लाला की कृपा है संभल गया है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।